नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एक इलेक्ट्रिकल इंसेक्ट किलर। तो ये है इसका बॉक्स और ये हमने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से, और ये है आईबेल ब्रांड का, आईबेल ब्रांड नेम है इसका। तो चलिए बॉक्स ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखें तो ये डबल बॉक्स में पैकेजिंग करके दी है सेलर ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे बॉक्स में आप देख सकते हो, देखिए ये है आईबेल ब्रांड का और यहाँ लिखा है आईबेल और यहाँ लिखा है इंसेक्ट किलर और यहाँ कुछ मॉडल नंबर दिया हुआ है और ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है। और यहाँ देखें तो इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे ये एनर्जी सेविंग है, साइलेंट है, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और अगर आपके घर में मक्खी मच्छर वगैरह ऐसे कुछ इंसेक्ट्स हैं तो वो इससे इजीली मर जाएंगे, आप इसके लिए इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ लिखा है इंसेक्ट किलर और यहाँ देखें बॉक्स में बैक साइड, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें मेंशन करी गई हैं। और बॉक्स में एमआरपी अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 4000 एमआरपी दे रखा है, बट ये आपको 2000 के आसपास मिल जाएगा फ्लिपकार्ट से। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वैसे आपको ये अमेज़ोन पर भी मिल जाएगा। यहाँ एक देखिए वारंटी कार्ड दिया हुआ है, 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है। इसको अभी हम रख देते हैं थोड़ा साइड में, ये देखिए ये वारंटी कार्ड है, खाली पड़ा है, फिलअप नहीं है। और इसको अभी मैं निकाल लेता हूँ बाहर। और ये है दोस्तों, देखिए काफ़ी अच्छे से बबल शीट में रैप करके दिया हुआ है ये सेलर ने। और इसको अभी हम ओपन कर लेते हैं, पैकेजिंग को काफ़ी अच्छे से पैक करके दिया है। ओके, तो पैकेजिंग अभी मैंने ओपन कर ली है और आपको दिखाऊँ तो ये हमें ब्रोकन पीस मिला है, ये डैमेज्ड है। पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी थी पर फिर भी ये टूट गया है किसी वजह से। आई थिंक ये ट्रांजिट में शिपिंग में अच्छे से हैंडल नहीं किया होगा, इस वजह से ये टूट गया। ये इसकी नीचे की ट्रे है, ये देख सकते हो ये निकल गया एक साइड का, इसको लगा देते हैं इसमें। ये देखिए ये ट्रे मेटालिक नहीं है, प्लास्टिक की है, जो मक्खी मच्छर वगैरह मरेंगे वो यहाँ डिपॉजिट होते हैं, तो आप उसे क्लीन करने के लिए इस ट्रे को निकाल सकते हो। और ये यहाँ नीचे से टूटा हुआ है, ये जो इसकी जाली है ये आपको दिखाऊं थोड़ा सा इस तरफ करके, और एक इसकी ट्यूब भी निकली हुई है, दो ट्यूब में से एक ट्यूबलाइट निकली हुई है। और ये देखिए यहाँ से नीचे से ये टूट रखा है, ये देखिए एक साइड से ये खुला हुआ है, स्क्रू भी नहीं है और ये टूट रखा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब टूटा हुआ मिला हुआ फिर भी हमें इसे चेक तो करना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ इसकी फ़ीचर्स वगैरह दिए हुए हैं सप्लाई वगैरह के बारे में और मॉडल नंबर वगैरह के बारे में। यहाँ लिखा है आईबेल और 6 मंथ्स की वारंटी यहाँ ऊपर मेंशन करी गई है। ये चीज़ प्लास्टिक का है, ये ट्रे प्लास्टिक की है, मेटल की नहीं है। और यहाँ पे अभी हम इसको खोल के इसकी ट्यूब लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें दो ट्यूबलाइट्स हैं और एक ट्यूबलाइट निकली हुई है, तो वो अभी हम लगा लेते हैं। इस जाली को मैं निकाल लेता हूँ। अच्छी बात यह है कि ट्यूबलाइट टूटी नहीं है, बस निकली है, होल्डर से बाहर आ गई है बट ब्रोकन नहीं है। और ये देखिए यहाँ से जाली टूटी हुई है, ये यहाँ से ठीक है, एक साइड से टूटी हुई है, एक साइड से डैमेज्ड है। तो ये देखिए ये ट्यूबलाइट निकली हुई है नीचे वाली, तो इसको अभी हमने जस्ट लगाना है इस होल्डर में। अगर ये टूट रखी होती तो अभी हम इसे चेक भी नहीं कर पाते, बट ये टूटी नहीं, अच्छी बात ही है, बस इसे चला के चेक करना है कि ये डिफेक्टिव है या ये ठीक है। तो अभी हम इसको प्लग इन कर देते हैं। वेरी गुड, तो ये अभी निकली थी, बस ये ख़राब नहीं हुई है, बच गई है, तो टूटी नहीं है, डिफेक्टिव भी नहीं है, दोनों ट्यूब्स अच्छे से काम कर रही है, बस ये होल्डर से बाहर आ गई थी। तो अब हम इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। और अभी हम इसकी जो जाली है इसको वापस लगा देते हैं, इसको सारा अभी हम दोबारा से पैक कर देते हैं। तो ये जाली अभी हमने लगा दी है, इसको स्क्रू वगैरह में टाइट कर देता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों इसके 2-3 मॉडल्स अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में, आप चेक कर सकते हो, जो भी आपको मॉडल अवेलेबल हो, सूटेबल हो, वो आप ले सकते हो। तो अभी हमने इसको स्क्रू वगैरह टाइट कर दिए हैं और ये ट्रे भी मैंने इसमें लगा दी है। तो अब हम इसको चला के चेक कर सकते हैं कि कैसा ये चल रहा है। और ये है इसका प्लग, प्लग की वायर काफ़ी छोटी है, 1 मीटर के अप्रॉक्सीमेट। तो देखिए अभी ये ऑन हो गया है और ये इंसेक्ट किलर अभी हम चेक कर सकते हैं। और इसको आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो एल्यूमिनियम लुक है, एल्यूमिनियम शीट है, नीचे वाली चीज़ ये प्लास्टिक की है, साइडों में ये प्लास्टिक का कुछ ऐसा डिज़ाइन है। और इस साइड से देखें आप तो ऐसा है, ये बटन यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए दे रखा है। और ये वायर की लेंथ ज़्यादा नहीं है, जो कि मेरे को ठीक नहीं लगी, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो अभी हमने ये ऑन कर दिया है और अभी हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये काम करता है और कैसा काम करता है। और अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल इंसेक्ट किलर चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हो,
क्योंकि मुझे तो ये डिफेक्टिव मिला है, ब्रोकन था, तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। बट अगर ये आपको सही कंडीशन में, एकदम ओके कंडीशन में मिल जाता है, तो आप इसे ज़रूर परचेज़ करके एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, तो आईबेल वैसे अच्छी ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी का सामान बनाते हैं, बट ये मुझे ब्रोकन मिला है, इस वजह से मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। इसकी लुक मुझे काफ़ी पसंद आई थी, बट बिल्ड क्वालिटी इसकी एवरेज है, बहुत ज़्यादा हाईफाई बिल्ड क्वालिटी तो नहीं कहूँगा। और यहाँ पे अगर आप सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे मक्खियाँ इसमें मर रही है जो इसके बीच में आई थी, और आप देख सकते हो ये काम कर रहा है। जो मक्खियाँ मरेगी वो नीचे की ट्रे में डिपॉजिट हो जाएगी। तो अभी देखिए, ये है हमारा इंसेक्ट किलर, और मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ट्रे बाहर निकाल के। और ये देखिए, तो यहाँ पे जो मक्खियाँ बीच में आई थी वो मर गई है और इस ट्रे में आ गई है। तो आप इसे क्लीन कर सकते हो जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो ये दोस्तों वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है इंसेक्ट किलर, जो ऐसे इलेक्ट्रिकल होते हैं। इससे एक तो आपको बार बार ये कॉइल वगैरह या ये जो गुड नाइट की मशीन्स वगैरह होती हैं लिक्विड वाली, वो आपको बार बार परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी। और ये महंगा तो होता है, बट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, और इससे कोई आवाज़ भी नहीं होती और कोई धुआं वगैरह भी नहीं होता, जिससे कई बार सांस लेने में दिक्कत आती है। तो आप कोई अगर इलेक्ट्रिकल इंसेक्ट किलर परचेज़ करना चाहते हो, तो आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा पीस मिल जाता है, तो आप इसे डेफिनेटली अच्छे से यूज़ कर पाओगे और परचेज़ कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी एवरेज है, मगर डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा है, और इसके आपको दो तीन मॉडल्स भी मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।